आपकी YouTube चैनल ग्रीन टिप्स एडवाइस चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अगले दिन यानी मंडे 4 तारीख को हम कौन सी स्टॉक में पोजीशन बनाएंगे, उसी स्टॉक के टेक्निकल आउटलुक, बाइंग लेवल, सेलिंग लेवल, स्टॉप लॉस और टारगेट, उस बारे में चर्चा करेंगे। और पिछले दिन जो मैंने स्टॉक के बारे में चर्चा किया था यानी फ्राइडे, उसका रिव्यू देखेंगे, उसमें प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, कॉल एग्जीक्यूट हुआ या फिर नहीं हुआ, कंडीशन क्या था। तो कॉन्सेप्ट में जाने से पहले आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा, ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पस बना रहा हूँ। जो भी टेक्निकल आउटलुक, जो भी लेवल पेश करूंगा, मेरी खुद की रिसर्च से। अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो अपनी जिम्मेदारी से ट्रेड कीजिए। और एक जानकारी, अगर आप लोग पेड सर्विस लेना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन होना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो के स्क्रीन में आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आज मैंने थोड़ी देर पहले अपलोड किया SBI परफॉर्मेंस, स्टॉक रिटर्न देने के लिए तैयार है, क्या आप तैयार है खरीदने के लिए? तो स्टॉक के बारे में मैंने चर्चा किया, इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, वीडियो को देखिएगा। वैसे फ्रेंड्स, मैंने फ्राइडे को अपोलो हॉस्पिटल के बारे में चर्चा किया था और उसमें अच्छा खासा पॉइंट दिया है, 25-30 पॉइंट दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर अवंती फीड दिया था, इसमें भी 40-45 पॉइंट गेन हुआ है एक दिन में, और अपोलो हॉस्पिटल में करीबन 30 पॉइंट का गेन हुआ है एक दिन में। उसके बाद मैंने यहाँ पर और एक कॉल दिया था, हाँ क्या था वो, मारुति, मारुति एक दिन में 186 पॉइंट गेन हुआ था जब मैंने दिया था। यहाँ पर मैंने जी एंटरटेनमेंट दिया था, इसमें भी करीबन 40 पॉइंट का प्रॉफिट, नहीं 50 पॉइंट से ज़्यादा प्रॉफिट मिला इसमें, जेल एक दिन में मैंने दिया था ये। उसके बाद मैंने दिया था यहाँ पर, चलिए एक बार देख लेते हैं कौन सा दिया था, विप्रो दिया था मैंने, चलिए विप्रो, सनफार्मा दिया था, सनफार्मा भी करीबन 30-35 पॉइंट का गेन हुआ एक दिन में। और उसके बाद मैंने यहाँ पर दिया था, थोड़ा सा नीचे है, विप्रो दिया था मैंने, विप्रो जो है एक हफ्ते में 60 पॉइंट प्रॉफिट दिया, जहाँ से मैंने बोला उसके नीचे नहीं गया और उसके बाद कंटिन्यू अप ट्रेंड में था और 60 करीबन 40-50 पॉइंट, हाँ 40-50 पॉइंट हमें प्रॉफिट दिया। तो चलिए अब हम रिव्यू देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम रिव्यू देखेंगे। देखिए, पिछले दिन जो मैंने स्टॉक के बारे में चर्चा किया था उसका नाम था रूबी मिल्स। रूबी मिल्स में एक्चुअली ट्रेड हो नहीं पाया क्योंकि रूबी मिल्स जो है उसमें लिक्विडिटी बहुत ही कम था। जिस दिन मैंने स्टॉक को सिलेक्ट किया थर्सडे को, यानी हाँ थर्सडे को, तो उस दिन उसमें अच्छा खासा वॉल्यूम था, बायर्स सेलर्स थे, लेकिन नेक्स्ट डे फ्राइडे को उसमें लिक्विडिटी बहुत ही कम था। लिक्विडिटी कम होने के कारण इसमें बायर्स और सेलर्स बहुत कम था, जैसे कि 5,000, 7,000, 10,000। तो अगर आप उसमें ट्रेड डालती भी है तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर आपने 100 क्वांटिटी डाला या फिर 200 क्वांटिटी डाला या फिर 500 क्वांटिटी डाला, आपके 10 क्वांटिटी या फिर 15 क्वांटिटी या फिर 20 क्वांटिटी ही ट्रेड होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। फिर भी बाइंग एंट्री जो है, बाइंग लेवल पार हुआ था, ब्रेकआउट किया था, बाइंग लेवल एग्जीक्यूट हुआ था, बाइंग लेवल एग्जीक्यूट होने के बाद नियर थर्ड टारगेट डन। ओके फ्रेंड्स, फिर भी मैं कहूंगा उसमें ट्रेड नहीं हुआ है क्योंकि उस दिन लिक्विडिटी बहुत ही कम था। तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसा अक्सर होता है, डेली हमें ट्रेड करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हमें प्रॉफिट से मतलब है। ट्रेड एक दिन नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें ध्यान देना है लॉस हमारा कम से कम हो। देखिए, 100 ट्रेड में से आपका 100 ट्रेड प्रॉफिट नहीं मिलेगा, 100 ट्रेड में से कम आपका 85 ट्रेड में तो प्रॉफिट मिलना ही चाहिए, तब जाके आपको ओवरऑल प्रॉफिट मिलेगा। वैसे भी मैं फ्रेंड्स अब तक 625 से ज्यादा कॉल पुट किया चैनल में और सिर्फ 24 कॉल में ही लॉस हुआ है। अब इस बात के ऊपर मैं कुछ कहना चाहूंगा आप लोगों को, अभी नहीं, लास्ट में सुनिएगा, मैं कुछ कहना चाहूंगा आप लोगों को। तो चलिए, अगले दिन के लिए मैंने जो स्टॉक सिलेक्ट किया उसका नाम है KRBL बैंक। क्या फ्रेंड्स, KRBL बैंक, KRBL बैंक को सिलेक्ट करने की रीजन में, सॉरी फ्रेंड्स, KRBL बैंक नहीं, KRBL लिमिटेड, KRBL एक चावल कंपनी है। मंडे के लिए मैंने जो स्टॉक सिलेक्ट किया उसका नाम है RBL बैंक। क्या है फ्रेंड्स, RBL बैंक, RBL बैंक को सिलेक्ट मैंने क्यों किया देख लीजिए। RBL बैंक, RBL बैंक क्लोज हुआ है 577.20 में, नोटिस कीजिएगा 577.20 में क्लोज हुआ है। अब स्टॉक 9 डेज और 50 डेज क्लोजिंग प्राइस के
अभी 9 days क्लोजिंग प्राइस के नीचे या फिर ऊपर ट्रेड कर रहा है, आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा। स्टॉक अभी 9 days, 20 days, 100 days, 50 days सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हुए क्लोज हुआ है, नोटिस कर लीजिएगा। 9 days, 50 days, 200 days, 100 days इन सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हुए क्लोज हुआ है और पिछले दिन 9 days को पॉजिटिव ब्रेकआउट किया है। सिर्फ 9 days ही नहीं, सिर्फ 9 days ही नहीं, 50 days को भी पॉजिटिव ब्रेकआउट किया है। तो अभी हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या मिल रहा है, 9 days की लेवल, 50 days की लेवल, 100 days की लेवल एंड 200 days की लेवल। और एक रीजन क्या है, स्टॉक पिछले 3 दिन से लगातार अप ट्रेंड में है, अप मूवमेंट में है, क्योंकि 4th day एक बुलिश इनगल्फिंग क्रिएट हुआ था, 4th day एक बुलिश इनगल्फिंग क्रिएट हुआ था। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट होने के बाद 20 डेज को टेस्ट करते हुए ऊपर की तरफ छलांग मारा और पिछले 3 दिन से लगातार इसमें वापसी है और अप मूवमेंट में है और हाल ही में 50 डेज और 9 डेज को पॉजिटिव ब्रेकआउट करते हुए 9 डेज और 50 डेज क्लोजिंग प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ है। फिलहाल हमें 9 डेज का जो लेवल है 569.76, नोटिस कीजिएगा, 9 days के जो लेवल है 569.76 और 50 days का जो लेवल है 567.94, नियर अबाउट 568 और क्लोज हुआ है 577। जब तक 5 days को ब्रेकडाउन नहीं करते हैं और 9 days को ब्रेकडाउन नहीं करते हैं, क्योंकि 9 days का जो लेवल है इसके 7 point ऊपर अभी ट्रेड करते हुए क्लोज हुआ है और 50 days का जो लेवल है उसके करीबन 10-12 point ऊपर ट्रेड करते हुए क्लोज हुआ है। तो जब तक 9 days या फिर 50 days को ब्रेकडाउन नहीं करते तब तक उसमें गिरावट आने की पॉसिबिलिटी बहुत है, कम है। मेरे कहने का मतलब है स्टॉक अभी स्ट्रॉन्गली बाइंग पोजीशन में है, अप ट्रेंड में है, लेकिन उसमें गिरावट आ सकता है। कब? जब ये 9 days और 50 days को ब्रेकडाउन करेगा तब उसमें गिरावट आने की पॉसिबिलिटी है। वॉल्यूम भी अच्छी तरह से ही क्लोज हुआ है, हालांकि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 20 days को वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं किया है, 20 days के नीचे क्लोज हुआ है, लेकिन अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोज हुआ है। अगर हम MACD के बारे में बात करें तो MACD मेन लाइन सिग्नल लाइन के नीचे है, लेकिन ट्रेंड जो है वेव है और ऊपर की तरफ उसका दिशा है और ऊपर की तरफ जाने की ही पॉसिबिलिटी है। चलिए मैं एक झलक आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर वेव है और इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है और MACD हिस्टोग्राम बार भी देखिए धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है और ऊपर की तरफ इंक्रीज होने की कोशिश जारी है। तो हम कह सकते हैं कि स्टॉक स्ट्रॉन्गली बाइंग पोजीशन पे है, ध्यान दीजिएगा स्टॉक स्ट्रॉन्गली बाइंग पोजीशन पे है। हम बाइंग पोजीशन बना सकते हैं और अगर बाइंग लेवल एग्जिट होता है तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन उसमें गिरावट भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि स्टॉक आप में जा रहा है आप ही जाएगा, ऐसा नहीं, उसमें गिरावट भी आ सकते हैं। हाँ, गिरावट कब आएंगे, जब ये 9 days और 50 days को ब्रेकडाउन करेगा तब उसमें गिरावट आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगा, और जब तक 9 days और 10 days को 50 days को ब्रेकडाउन नहीं करेगा तब तक ऊपर रहने की पॉसिबिलिटी रहेगा। दूसरी तरफ अगर आप विलियम परसेंटेज आर देखें, मैं आज एक नया इंडिकेटर आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, विलियम परसेंटेज आर का जो रेशियो है -25 में है और उसका ट्रेंड अभी ऊपर की तरफ है। फिलहाल अभी ये ओवरबॉट जोन की तरफ है, लेकिन ओवरबॉट जोन में अभी तक पक्का नहीं है और भी ऊपर जा सकते हैं, ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये डे चार्ट है। डे चार्ट में -25 को हम इग्नोर कर सकते हैं और इसका ट्रेंड डायरेक्ट ऊपर की तरफ है, ठीक है, डायरेक्ट ऊपर की तरफ है। जब तक ये 20 को ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक हम उसमें पोजिशन बना के रख सकते हैं। तो चलिए अब हम कुछ लेवल यानी ट्रेंड लेवल मार्क करके देखते हैं कि क्या है। चलिए बीच में मैं कुछ कहने वाला था, चलिए कह देता हूं। अभी देखिए बाइंग लेवल, ठीक है, सेलिंग लेवल, दो लेवल में प्रोवाइड करता हूं। अब देखिए किसी ने कहा कि आपको कुछ एनालिसिस नहीं आता है, ठीक है, अच्छी बात है, मुझे कुछ एनालिसिस नहीं आता, वो बोल रहा है उससे एनालिसिस सीखने के लिए। भाई अगर कुछ गलत है तो आप कमेंट करो कौन सी जगह पे गलत है मेरी स्ट्रेटेजी, मेरी टेक्निकल एनालिसिस, मैं सुधारूंगा उसको। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, चैलेंज मत करो। अगर आपको चैलेंज करने की हुनर होता तो आप दूसरे के वीडियो नहीं देखते, शायद आपको बुरा लगेगा, क्योंकि आप दूसरे के वीडियो से सीखते हैं, एक बात समझ लीजिएगा। मेरा नहीं, सिर्फ सबकी वीडियो से आप सीखते हैं, सीखने के बाद आप ट्रेड करते हैं। कितना सक्सेस आप होते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आपने मुझे कहा आपसे सीखने के लिए मुझे कोई फीस देना नहीं पड़ेगा, तो ऐसी बात मत कीजिए।
सही ढंग से बात कीजिए, सबको सुनने में अच्छा लगेगा। किसी को चैलेंज मत कीजिए। अगर आप में इतना हुनर है तो आप वीडियो बनाओ, वीडियो बना के अपलोड करो, दूसरे को फायदा मिलेगा। मैं कोर्स का फीस पैसा लेता हूँ, मैं कॉल बेचता हूँ, हाँ मैं बेचता हूँ, ये मेरा प्रोफेशनल बिजनेस है। लेकिन आप तो कॉल नहीं बेचेंगे, आप तो कोर्स नहीं बेचेंगे, तो आप फ्री में ही प्रोवाइड करो लोगों को, ताकि लोगों के पास जाए, लोगों को कुछ फायदा हो, अगर आप में हुनर हो तो। और अगर नहीं है तो ऐसी बकवास बातें मत करो, डिसलाइक करो और पतली गली से निकल जाओ, मैं इतना सही कहूंगा। लेकिन इस तरीके से कमेंट मत कीजिए, चैलेंज मत कीजिए, कमेंट कीजिए, गाली दीजिए। बहुत लोग गाली भी देते हैं, हम थैंक यू कहते हैं, वेलकम कहते हैं, लेकिन चैलेंज कभी भी मत कीजिए, क्योंकि आप भी किसी दूसरे की वीडियो देख रहे हैं, उसका मतलब आप में हुनर नहीं है, आप अभी भी सीख रहे हो, सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा मत कीजिए। मैं बाइंग साइड भी प्रोवाइड करता हूँ, सेलिंग साइड भी प्रोवाइड करता हूँ। अगर बाइंग लेवल एग्जीक्यूट होता है तो टारगेट होता है, ऐसा नहीं है कि बाइंग लेवल एग्जीक्यूट होने के बाद वो नीचे गिर गया, वो बाइंग लेवल एग्जीक्यूट होने के बाद टारगेट देता है, और जिस दिन सेलिंग लेवल एग्जीक्यूट होता है उस दिन सेलिंग टारगेट देता है। ऐसा तो नहीं कि बाइंग लेवल एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद सेलिंग लेवल भी सेलिंग लेवल पे आ गया यानी लॉस हो गया, उसके बाद फिर सेलिंग लेवल एग्जीक्यूट हुआ फिर बाइंग लेवल पे आ गया यानी दोनों तरफ से लॉस हुआ, ऐसा तो नहीं होता है ना। स्टॉक का हम एनालिसिस करके बताते हैं, अगर ये इस लेवल पे ऊपर सस्टेंस करते हैं तो बाइंग पोजिशन एग्जीक्यूट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगा, और अगर इस लेवल पे आता है तो सेलिंग लेवल एग्जीक्यूट होने की पॉसिबिलिटी है, इस लेवल पे आता है तो गिरावट होने की पॉसिबिलिटी, और उस लेवल पे जाता है तो अपट्रेंड होने की पॉसिबिलिटी है। प्रॉफिट से मतलब रखना चाहिए, स्ट्रेटजी भी जैसा भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारे पास स्ट्रेटजी है, हजारों स्ट्रेटजी है, लाखों स्ट्रेटजी है, ठीक है, हमें बहुत कुछ आता है, लेकिन प्रॉफिट हम कर नहीं पाते, उस नॉलेज के कोई मायने नहीं रखता, मायने तब रखता है जब हमें प्रॉफिट मिलता है। तो इस तरीके की बातें मत कीजिएगा, प्रॉफिट से मतलब रखिए हमेशा, ओके। और चैलेंज मत कीजिएगा, गाली दीजिए, कमेंट कीजिए, गलती है तो सुधारूंगा, लेकिन चैलेंज मत कीजिए, डिसलाइक करना है तो डिसलाइक कीजिए और पतली गली से निकल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको अच्छा लगता है वो देखेगा, जिसको फायदा हो रहा है वो देखेगा। और एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल में मैंने प्रोवाइड किया था उसमें 25 पॉइंट मिल चुका है, ठीक है, यहाँ पर मैंने अवंती दिया था 40 पॉइंट मिल चुका है एक दिन में, ओके, विप्रो दिया था 60 पॉइंट मिला, मारुति दिया था 180 पॉइंट मिला है। तो चैलेंज करने की कोई बात ही नहीं है, आपके हुनर आपके पास, मेरी हुनर मेरे पास, दूसरे यूट्यूबर्स के हुनर दूसरे यूट्यूबर्स के पास, सबकी फंडा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेरी जो मैंने लेवल मार्क किया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो लेवल है 540 बहुत दूर का लेवल है, अगर इसमें गिरावट आती है तो नीचे की तरफ हमें 540 का लेवल देखने को मिल सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, अभी देखिए ये जो हमने लेवल यहाँ पर ड्रॉ किया, इस लेवल के ऊपर अभी ट्रेड करते हुए क्लोज हुआ है। अभी लेवल क्या है, लेवल क्या है जो टच करते हुए लेवल को ब्रेकआउट किया, वो है 560.65, यानी 560 के ऊपर अभी सस्टेंस क्या है। और अगर 50 डेज को ब्रेकडाउन करते हैं, 50 डेज का लेवल क्या था फ्रेंड्स, 567, 50 डेज का लेवल था 567, और यहाँ पर जो मैंने मार्क ड्रॉ किया उसका लेवल है 560, यानी 50 डेज को अगर ब्रेकडाउन करते हैं तो 560 उसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट रहेगा 540, ठीक है, ये मार्क लेवल कहते हैं, ओके फ्रेंड्स, मार्क लेवल। उसके बाद अगर 9 डेज के ऊपर सस्टेंस करते हैं, जो 9 डेज है अभी 577 पे क्लोज हुआ है, तो हमारा सेकंड लेवल जो रहेगा या पर फर्स्ट लेवल रहेगा या पर जो दिखाई देगा 586 जा सकता है और जाने की पॉसिबिलिटी है, और 586 को अगर ब्रेकआउट करते हैं तो और भी ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर जो है नेरो रेंज आप लोगों को दिखाई दे रही है, यहाँ पर जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये नेरो रेंज है, जो नेरो रेंज में ट्रेड करते हुए ट्रेड किया था उसमें उसके बाद गिरावट आई थी, उसके बाद इसको ब्रेकआउट किया इस मार्क लेवल को, ठीक है, ट्रेंड लेवल को। चलिए अब हम ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ करके आप लोगों को, तो देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जो लेवल ड्रॉ किया, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इस लेवल को और इस मार्क को ऊपर की मार्क और नीचे की मार्क को, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट हुआ और ट्रायंगल पैटर्न के नीचे क्लोज हो, इस ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर अगर सस्टेंस करते हैं तो इस लेवल को भी टच करेगा जो है 592। तो इससे पहले हमें क्या लेवल मिला था 586 और अभी हमें लेवल मिला 592। अगर वोलेटिलिटी ज्यादा रहा स्टॉक में अगले दिन तो जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। चलिए अब हम बाइंग लेवल और सेलिंग, तो फ्रेंड्स बाइंग लेवल रहेगा 583.52
टारगेट रहेगा 585, 587.47, 589, 591, 593, 598. नेक्स्ट रहेगा सेलिंग लेवल 576.47, 574, 572, 570.76, 568.25, 566.73, 561.53. बाइंग लेवल के 10 पैसे ऊपर हम बाई करेंगे और सेलिंग लेवल के 10 पैसे नीचे सेल करेंगे। बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल के बीच में हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर बाइंग लेवल के ऊपर गैप अप ओपन होता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। जब नीचे गिरेगा, बाइंग लेवल को ब्रेकआउट करेगा, तब हम बाइंग पोजीशन बनाएंगे। और अगर सेलिंग लेवल के नीचे गैप डाउन में ओपन होता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। जब ब्रेकआउट करेगा, फिर सेलिंग लेवल को ब्रेक डाउन करेगा, तब हम सेलिंग पोजीशन बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज लेट हो चुका है। मेरी क्लाइंट को जो मैंने कॉल प्रोवाइड किया था उसका वीडियो, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने दिखा दिया। अभी लेट हो चुका है तो वो परफॉर्मेंस दिखा नहीं पाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज कल इतना सारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।